1 नवंबर से यातायात जागरूकता माह के शुभारंभ के समय एसपी सिटी एमपी सिंह व एसपी ट्रैफिक हरेंद्र कुमार ने लोगों से यातायात के नियमों के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। न्यू न्यूज से हुई बातचीत में उन्होंने कहा है कि हमें सदैव सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। जानिए सड़क दुर्घटना से कैसे बचें। यातायात जागरूकता माह की शुरुआत हो चुकी है, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिटी एमपी सिंह सर और एसपी ट्रैफिक हरेंद्र कुमार सर। सर आज से यातायात के प्रति लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगले एक महीने पूरा माह नवंबर में हम लोग यातायात के प्रति जागरूकता, यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूकता, जिससे हमको इन्फोर्समेंट की कार्रवाई कम करनी पड़े, लोग स्वयं अपने अंदर से ही यातायात नियमों का पालन करें, इसके संबंध में एक अभियान आज से शुरू हुआ है जो प्रतिदिन चलेगा। स्कूलों में बच्चों को और ट्रांसपोर्ट यूनियन को, जो भी ड्राइविंग कर रहे हैं उनको, सबको हम लोग जागरूक करेंगे। पब्लिकली क्या कुछ अपील लोगों से करना चाहेंगे इस मौके पर आप? बिल्कुल, मैं पब्लिकली सबसे ये अपील करूंगा कि कभी भी दो पहिया पे बैठिए बिना हेलमेट के मत बैठिए, फोर व्हीलर में बिना सीट बेल्ट के मत बैठिए, और ये अपने बच्चों को भी सिखाइए। बेसिक रूप से यंग एज के जो नए बच्चे हैं, जो तेज़ गति से वाहन चलाते हैं, उनको ये समझाइए कि वाहन की गति लिमिट में रखें। यही हमारा अपील है लोगों से, और यातायात जागरूकता सप्ताह में हमारा सहयोग करें। थैंक यू सर। हमारे साथ एसपी ट्रैफिक सर हरिंदर सर हैं। सर आज से आपके नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है, और क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर आज? देखिए, आज से जो यातायात माह शुरू हो रहा है, इसमें चार हमारे मेन पिलर हैं, एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और इंजीनियरिंग। तो हम इन्हीं चारों पिलर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उन पर हम फोकस करेंगे। पहले हम लोग का प्रयास रहेगा कि जागरूकता हम लोग फैलाएँ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यातायात नियमों का पालन करें। लेकिन अगर उसमें कुछ कमी रहती है तो हम लोग फिर एनफोर्समेंट की कार्रवाई करेंगे। लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे मथुरा वासियों से कि ये जागरूकता माह है और ट्रैफिक के प्रति आप अवेयर करने जा रहे हैं लोगों को? मेरा मथुरा वासियों से यही आग्रह है कि यातायात माह तो ये है ही, अगर इसके अलावा यातायात माह ना हो तब भी जो यातायात नियम का पालन करें और कभी उनका उल्लंघन करें। थैंक यू। यहाँ एएसपी सर भी हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आज यातायात माह की शुरुआत हुई है, लोगों से अवेयरनेस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, यातायात के सफल संचालन की सबसे पहली जिम्मेदारी नागरिकों पर ही होती है। अगर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, उनको पता है कि हमें जब बाइक पे हम सवार हैं तो हमें हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, जब हम फोर व्हीलर में हैं तो सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। पुलिस अगर आपको ज़बरदस्ती करवाए तो आप एक समय तक उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से स्वयं से करेंगे तो ज़्यादा ये यातायात जो हम माह बना रहे हैं सुरक्षा का, वो ज़्यादा सफल होगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मानव जीवन अमूल है और इसकी सुरक्षा का दायित्व परिवार के मुखिया पे होता है। मेरा सभी जनपद के निवासियों से ये अनुरोध है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। ERTO प्रवर्तन है। सर क्या कुछ कहेंगे, यातायात माह की शुरुआत हुई है, अवेयरनेस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यातायात माह के इस कार्यक्रम में जो आज हम लोग उसका शुभारम्भ किए हैं, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है, जिसमें हम पूरे महीने यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, साथ साथ जो भी यातायात के नियम हैं उनको एक जीवन शैली के रूप में बनाएं और उनको हमारे इन्फोर्समेंट की ज़रूरत ना पड़े, वो स्वयं ही इस नियमों का पालन करें। साथ साथ जो भी दुर्घटना पीड़ित अगर व्यक्ति कोई रास्ते मिलता है तो उनकी सहायता करें। साथ साथ जैसे भी आपको लगता है कि इन चीज़ों को आप खुद नहीं, स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर 112 108 पर संपर्क करें, जिससे जो घायल पीड़ित है उसको तुरंत जब मतलब मानते हैं कि लोगों में ट्रैफिक सेंस की कमी है। ट्रैफिक सेंस की कमी नहीं है, ये हमारी लापरवाही है। ट्रैफिक सेंस का कोई कमी नहीं है। सारा जो आम पब्लिक जो भी गाड़ी चलाता है तो उसको ये पता होता है कि हमें हेलमेट लगाना चाहिए, इससे क्या प्रभाव हो सकता है, क्या परिणाम निकल सकता है, और चाहे फोर व्हीलर जो भी चलाता है तो उसको पता है कि सीट बेल्ट लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी अब तो इतने टेक्नोलॉजी हमारे गाड़ियों में है कि जैसे आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे एक बीप की आवाज़ आती रहती है, तो पता है कि हमें लगाना है और सबको पता भी है। कहीं ना कहीं ये हम इसको एक ईगो से भी जोड़ सकते हैं, लापरवाही भी जोड़ कह सकते हैं। ट्रैफिक सेंस का कोई कमी नहीं, आम पब्लिक हमेशा सपोर्ट करता है। अभी जो देखा जाए, अभी जो डेटा निकल के आते हैं तो लोगों को जानकारी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ लापरवाही भी है, चाहे वो अपना ईगो सेटिस्फेक्शन का लेवल चाहे जो भी बना रखे हों, वो एक कहीं ना कहीं फैक्टर काम कर रहा है जिससे हमारे दुर्घटनाओं को बढ़ा रहा है। थैंक यू। जैसे आपने देखा कि यातायात माह की शुरुआत हो गई है, इसमें ट्रैफिक पुलिस और यातायात विभाग पूरा इसमें लोगों को अवेयर करता है कि किस तरीके से लोगों को अवेयर करना है ताकि
एक्सीडेंट ना हो, लोग सड़क दुर्घटनाओं से बचें। ऐसे में ये बेहद आवश्यक तो होता है कि लोग जानते हैं कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर भी इसके बाद भी घटनाओं के शिकार होते हैं, इसलिए कि जानते हुए भी वो फॉलो नहीं करते हैं। तो ये बेहद आवश्यक है कि आपके अंदर ट्रैफिक नियमों की जानकारी है लेकिन लापरवाही की वजह से उनको फॉलो नहीं करते हैं। यही कारण है कि सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी घटनाएं होती हैं, लोगों की जान जाती हैं। तो ये हमें भी उम्मीद है कि ट्रैफिक नियम के प्रति आप जागरूक होंगे, ट्रैफिक साइंस को लेकर आप अवेयर होंगे, खुद को अवेयर करेंगे और लोगों को भी ट्रैफिक नियमों के बारे में बताएंगे ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। न्यूज़ कैमरा पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।